कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अपने विशिष्ट अतिथि सुश्री स्वर्णकांता शर्मा जी को अपने विचार अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने बौद्धिक विमर्श से हम सब का ज्ञान वर्धन करें। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा विराम चाहती हूँ, आपका एक छोटा सा परिचय दूंगी। सुश्री स्वर्णकांता शर्मा प्रमुख न्यायाधीश रोहिणी नॉर्थ नई दिल्ली, आप विख्यात विधि अभ्यास करता है, आप पर्सनल लॉ फॉर डिवोर्स जुडिशियल सेपरेशन मेंटेनेंस के मामलों को निस्तारित करती हैं, आपने विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुखर होकर अपने विचार प्रस्तुत करती हैं। मैम आए। माननीय सम्माननीय डाइस पर बैठे सभी सम्माननीय व्यक्तियों को मेरा परम नमस्कार। मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ इस यूनिवर्सिटी को कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। यहाँ आकर मुझे दो फायदे हुए, एक तो मैं यहाँ पर अपने विचार विमर्श में आपसे कुछ सीखूँगी, कुछ अपने विचार बताऊँगी, और दूसरा यहाँ आने से मुझे काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन हो गए, तो मेरा डबल थैंक यू आपको शर्मा जी। क्योंकि ये लास्ट का सत्र है और इसलिए सब लोग बहुत टायर्ड होंगे, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में कोई भी बात नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ ये बात करना चाहती हूँ कि मैं जब 23 साल की थी, 23 साल की थी, उस वक्त मैं दिल्ली में जज बनी। ये कुछ ईश्वर का निर्देश था कि शायद मुझे 27 साल इस सर्विस में हो चुके हैं और 27 साल में 3 बार या 4 बार मुझे महिला न्यायालय का अध्यक्ष बनने का या मुख्य अध्यक्ष बनने का मौका मिला। 1993 जब मुझे पहली बार ये कोर्ट मिली और 2019 जब मुझे दोबारा से ये कोर्ट मिली, मैरिजेस हैव ट्रेवल्ड अ लॉन्ग वे, पीपल हैव चेंज्ड सो मच, वुमेन हैव चेंज्ड सो मच, मेन हैव चेंज्ड सो मच इन देयर व्यूज अबाउट मैरिज। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं जब मैं लीगल लिटरेसी प्रोग्राम्स करने के लिए जाती हूँ, व्हाई कांट विमेन बिहेव लाइक द ग्रैंड मदर्स। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि शायद आज मैरिज की पवित्रता इस कारण से नहीं रह सकती, बिकॉज विमेन आर नॉट बिहेविंग प्रॉपरली, बिकॉज विमेन आर चेंजिंग। आई एम वेरी सॉरी, लेकिन यहाँ पर इस सभागार में देयर वेरी फ्यू वुमेन, इसलिए शायद मुझे कोई चीयर करने के लिए नहीं है, क्योंकि सारे आदमी ये कह रहे हैं कि औरतों का कसूर है कि शादियां टूट रही है। तो जो औरतें यहां बैठी है, इट इज यस और इट इज नो। मैं एक पर्टिकुलर इशू के बारे में बात करूंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम समय है, मैं बहुत सारे इश्यूज पर बात नहीं कर सकती। यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, आई थिंक 90% लोग शादीशुदा हैं। 90% शादीशुदा लोगों में किसी को ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि हम जब किसी से शादी करते हैं तो हम उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम क्या सोचते हैं कि एक शादी की पवित्रता के लिए हम एज अ पत्नी या एज अ वाइफ और एज अ हस्बैंड हम एक दूसरे से क्या चीज एक्सपेक्ट करते हैं। इन 27 सालों में जब मैंने बहुत सारे लोगों से फेस टू फेस बात की, those who used to come to me as litigants, who used to come to me as people who are victims, because I had been dealing with cases of 498A also. इसलिए जब हम शादी की पवित्रता और एथिक्स की बात करते हैं, तो शायद हम लोग ये भूल जाते हैं कि एक शादी में केवल पति और पत्नी नहीं होते, एक शादी में उनके सास, उनके ससुर, उनके घर के लोग भी होते हैं। इसलिए शायद क्योंकि हम लोग शादी की पवित्रता की बात करते हुए या एथिक्स की बात करते हुए, क्योंकि हम केवल आजकल पति और पत्नी की बात करते हैं, तो शायद हम इस मुद्दे से ही भटक गए। इन 27 सालों में मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि किसी भी शादी में नैतिकता, पवित्रता, उसके एथिक्स केवल इस बात पर निर्भर नहीं करते कि मैं अपने पति के साथ कैसा बिहेव करती हूँ, मेरे पति मेरे साथ कैसा बिहेव करते हैं। मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन डज नॉट अमाउंट टू ओनली एज अ हस्बैंड एंड वाइफ। मैरिज एज अ इंस्टीट्यूशन हैज पेरेंट्स ऑफ द हस्बैंड आल्सो एंड पेरेंट्स ऑफ द वाइफ आल्सो। सो द मोमेंट यू आर टॉकिंग अबाउट
तो आपको ये भी बात करनी पड़ेगी कि मेरे पति को या मुझे एज ए पत्नी को इस पवित्रता को मेंटेन करने के लिए उसके रिश्तेदारों से और उसकी फैमिली से और जिनको वो रिस्पेक्ट करते हैं मुझे उनकी भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, तभी इस मैरिज की नैतिकता या उसकी पवित्रता के बारे में मैं बात कर सकती हूँ। मैं नहीं जानती कि मैं जो बातें करूंगी उससे कितने लोग सहमत होंगे, लेकिन केवल जब हम कली पर बोलने के लिए आते हैं तो हम इसलिए नहीं आते कि लोग हमसे सहमत हों, हम केवल इसलिए नहीं आते कि हमारे लिए तालियां बजे, हम केवल इसलिए नहीं आते कि लोग हमको चीयर करें, हम यहाँ पर इसलिए आते हैं कि हम जिस जगह पर बैठे हैं, जिस जगह पर आप लोग नहीं बैठे, उस जगह से मैं क्या सोचती हूँ, उस जगह से जब लोग मुझे वन टू वन एक बंद कमरे में जो मैं इन कैमरा प्रोसीडिंग्स करती हूँ, व्हाट दे टॉक टू मी, व्हाट दे टेल मी, व्हाट दे डोंट टेल यू, आई वांट टू शेयर दैट विद यू। दिस इज आई एम प्रेजाइडिंग ओवर अ कोर्ट वेयर इट्स नॉट दैट ओनली पीपल who are economically weaker, they are coming before me. These days I am working in Patiala House Court where mostly the richest and those who are on very good positions in their life are coming. लोग मुझसे ये पूछते हैं कि क्या तलाक केवल उनके ही होते हैं जो बहुत रिच होते हैं, क्या केवल उनके ही तलाक होते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते या ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि क्या केवल उन्हीं घरों में तलाक होते हैं या मैरिज प्रॉपरली नहीं चलती जहां औरतें पढ़ी लिखी होती हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट दिस इज नॉट ट्रू। बहुत बार ऐसा होता है, आई हैव सीन इन माई लाइफ इन माई टेन्योर एज अ जज दैट दोज वेमेन हु आर वेरी एजुकेटेड, दोज वेमेन हु आर ऑन द हाइएस्ट पेडेस्टल्स ऑफ देयर लाइफ, they go through violent marriages but they keep quiet only for the sake of sanctity of the marriage. At that time I ask myself, kya sanctity of the marriage keval auraton par depend karti hai, kya sanctity of the marriage ke liye aadmi kabhi zimmedar nahi hote, kya sanctity of the marriage ke liye dono ko ikatte chalne ki zarurat nahi padti? Mere paas kuch dinon pehle ek bahut hi padhi likhi ladki जो पीएचडी कर चुकी है, जिसके पति एक बहुत ही हायर पोजीशन में इंडिया में कहीं काम करते हैं, वो अपनी मदर के साथ आए। ऐसा नहीं होता कि जो लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं उनके घर में वायलेंट मैरिजेस नहीं होते, वायलेंट मैरिजेस होते हैं, औरतें चुप रहती हैं, और बहुत सारी औरतें बहुत वायलेंट होती हैं और आदमी चुप रहते हैं। ऐसा भी नहीं होता कि सारी औरतें बहुत अच्छी होती हैं और आदमी बुरे होते हैं। If there are bad women in India, then there are bad women also. जब मैंने उनसे ये बात की कि वो सात साल से इकट्ठे नहीं रह रहे, I asked them as to whether they want to still stay together. I asked this girl that you are PhD, you don't have any children, can't you think about a divorce? This girl who is PhD, she gave me a lecture for 15 minutes, and I heard her very patiently. Because when I sit in my court as a judge, I don't sit there to judge people. I sit there to do justice. And if you have to do justice, you need to hear people. If you won't hear people, you can't do justice. This girl who's highly educated, who's a gold medalist, she told me that she doesn't want to divorce this man, though she knows that he's having adulterous relationship with other people, only because wo shaadi ki maryada ko अगर उसके पति नहीं समझ रहे तो वो कम से कम इस शादी को बचाना चाहती है। At that time I asked myself, is this the sanctity of marriage? Do we have any ethics in the marriage? Is there anything in the marriage which a man needs to do? Is everything dependent on the women only for keeping the marriage safe? Is it only the responsibility of a woman to keep herself pure? There's one more aspect. बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि औरत की पवित्रता इज इक्वल टू पवित्रता ऑफ मैरिज। दिस इज नॉट सो। आई हैव सीन केसेस इन माय कोर्ट वेयर पीपल हु हैव बीन इन रिलेशनशिप प्रायर टू देयर मैरिज टू द फर्स्ट हस्बैंड हैव हैड वंडरफुल मैरिजेस, दे हैव बीन फेथफुल टू ईच अदर, एंड आई हैव सीन मैरिजेस वेयर people who have been
Together for the first time, I've had very violent marriages. किसी भी मैरिज की पवित्रता केवल औरत की पवित्रता से कभी भी आप इक्वेट मत करिए। जब 497 की एक जजमेंट आई, आई एम श्योर कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो लीगल लोग हैं। दे आर ऑल अवेयर अबाउट द 497 जजमेंट दैट द सुप्रीम कोर्ट हैव गिवन अस अ फ्यू डेज बैक। देयर वाज अ ह्यूमन क्राई, पीपल वर सेइंग एंड व्हेन आई वाज टॉकिंग टू रिस्पेक्टेड मैम आल्सो व्हेन आई वाज सिटिंग देयर विद हर, क्या 497 में एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज करके हमने सैंक्टिटी ऑफ मैरिज को खराब किया है? आई डू नॉट नो हाउ मेनी पीपल हु आर सिटिंग इन दिस हाउस थिंक दैट डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ एडल्ट्री हैज एक्चुअली पोज्ड अ थ्रेट टू मैरिज। आई डोंट बिलीव दैट। आई डोंट बिलीव दैट फॉर दिस रीजन, फॉर दिस 27 इयर्स ऑफ बीइंग अ जज इन द लोअर जुडिशियरी, where I get time to talk to each other, when I get time to talk to people who are actually victimized in their relationships, I have understood only one thing. Decriminalization of 497 किसी और कारण से नहीं था। 497 को decriminalize इसलिए किया गया क्योंकि वो एक तरफा था, क्योंकि आज औरतें ये समझ गई थी कि औरतें किसी आदमी की संपत्ति नहीं है, कि अगर आपने मेरी बॉडी को वायलेट किया तो केवल मेरे हस्बैंड उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं, और लेकिन इफ माय हस्बैंड इज गोइंग अराउंड विद समबडी और ही इज इन एडल्ट्रस रिलेशन विद समबडी, देन आई कैन नॉट फाइल अ केस। हाउ अनफेयर इट वाज फॉर दोस हु थिंक दैट 497 डीक्रिमिनलाइजेशन इज अ थ्रेट टू सैंक्टिटी ऑफ मैरिज। आई जस्ट वांट टू टेल देम इट हैज नथिंग टू डू विद दिस, बिकॉज़ एडल्ट्री स्टिल रिमेंस वन ऑफ द ग्राउंड्स for dissolution of the marriage, for dissolution of the marriage under 13. The only problem that I see today in the marriages breaking is not that we have these judgments which are decriminalizing. I do not see any other thing except the fact that now women have got a voice. Women have got a voice where they are not ready to stay in violent marriages. Parents are now more open to take back their daughters who are being violated. पहले क्या होता था कि अगर जब मैं 92 में जब मेरे पास जब पहली बार महिला कोर्ट आई 92-93 में, तब मैं ये देखा करती थी कि जो माँ बाप अपनी बच्चियों के साथ मेरे पास 498 के केसों में भी आया करते थे, तो वो हमेशा ये कहते थे कि हम इसको वापस नहीं लेके जाएंगे, we don't want to take her back. ना उनको वापस ना ले जाने के कारण जो लड़कियों के पास कोई रास्ता ही नहीं होता था, तो दे यूज टू स्टे इन द मैरिज, और हम लोग ये सोचते थे कि ये मैरिज बच गई है, मगर कभी भी किसी ने ये नहीं सोचा कि इस मैरिज की क्या सेंसिटी है, इस मैरिज में कौन से एथिक्स हैं, इस मैरिज में कौन सी प्योरिटी है कि एक आदमी किसी और औरत के साथ रह रहा है, वो दूसरी औरत अपनी पत्नी को रोज मारता है, लेकिन क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं है, because she is not educated, because her parents are saying that we are not going to take you back, therefore she is staying in the marriage. Do we people in India, do we as citizens of India want marriages which are suffocated marriages? Do we want marriages of silence? Do we want marriages that we call that they are pure and they are ethical, where one partner suffers in silence? And mind you, this partner can be a man and this partner can be a woman also. ऐसा कभी नहीं होता कि हर मैरिज में सिर्फ आदमी बुरा होता है और औरत चुप रहती है। बहुत सारी मैरिजेस ऐसी भी होती हैं जहाँ पर मिसयूज ऑफ लॉ होता है, और जहाँ पर औरतें आदमियों को बहुत तंग करती हैं, और आप आदमी प्योरिटी ऑफ मैरिज के लिए, एथिक्स ऑफ मैरिज के लिए, या उस मैरिज को बचाने के लिए हमेशा चुप रहे। द लास्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू से टू दिस हाउस, द लास्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू से टू दिस हाउस इज दिस, कि बहुत सालों से मुझे ऐसा महसूस होता है, करीब 27 साल से, मैं 51 साल की हूँ, तो मेरी अपनी बुद्धि है 51 साल की, 27 साल से मैं इस प्रोफेशन में हूँ तो मेरे पास वो बुद्धि है 27 साल की, लेकिन इतने गणमान्य लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, जो लोग मैम यहाँ बैठी हैं, रिस्पेक्टेड मैम इज सिटिंग, सारी सिटिंग है, जिन्होंने हम जैसे लोगों को पढ़ाया, जिन्होंने हम जैसे लोगों को ज्ञान दिया है, मैं अंत में सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, मैरिज को बचाने के लिए, सैंक्टिटी ऑफ मैरिज को बचाने के लिए, या मैरिज को एथिकल बचाने बताने के लिए, ये
मैरिज को बनाना चाहते हैं? क्या हम इस तरीके की प्योर मैरिजेस को बचाना चाहते हैं? क्या हम अभी भी अपना माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते? I do not know how the men who are sitting here will take what I am saying. But I want to say, if we want to save the sanctity of marriage, we need to work on men also. We need to change their mindset also. It is not a woman and man issue alone. It is a family issue. It is an issue where you see women are filing cases against parents of the husbands. The parents of the husbands are going to the jail. So if you want to save this marriage, institution of marriage, if you want to keep it pure, if you want to save it, and if you want to be proud Indians and what we had in Hindu culture, I think we need to change the mindset of the men. And in the end, I want to tell something to the men. मैं बहुत बार, ये मेरी बड़ी फेवरेट कविता है, ये मेरे द्वारा लिखी गई कविता नहीं है, मगर मैं इसे हर उस जगह में पढ़ती हूँ, where I have to tell the men that please don't give us responsibilities alone. Marriage is not my issue alone. If you will leave me, I will be alone. I will not get married, and the sanctity of marriage is broken because ये औरतें, इनकी टॉलरेंस खत्म हो गई. I hear day after day, औरतों की टॉलरेंस खत्म हो गई. औरतों ने बोलना शुरू कर दिया. औरतों ने नौकरी शुरू कर दी, करने शुरू कर दिया. इसलिए हमारी प्योरिटी ऑफ मैरिज खत्म हो गई है. As far as sexual relations are concerned, I still want to assure you, in these 27 years and in the year 2019 also, मैंने आज तक कोई ऐसा कपल मैंने नहीं देखा है जिसने ये कहा हो कि मैं अपने पति को या मैं अपनी पत्नी को ये फ्रीडम देता हूँ कि यू गो फॉर एनदर रिलेशनशिप. कोई भी पति या कोई भी पत्नी 2019 में भी इस भारतवर्ष में मेरे पास आके nobody tells me, ma'am, I have no issues if she sleeps with somebody. Nobody says, ma'am, I have no issue if he's sleeping with somebody. Everybody has an issue. There is no demand for independence of sexual relationship. आप 497 की जजमेंट को इसके साथ कपल करके कंफ्यूज मत करिए. वो इनको इक्वल करने के लिए थी, मगर आज तक कहीं भी कोई भी पति या पत्नी मेरी कोर्ट में ऐसे नहीं आए हैं जिन्होंने आके ये कहा हो कि मैं इस बात के लिए अपनी पत्नी को या अपने पति को ये इजाजत देती हूँ कि आप जितने मर्जी लोगों के साथ, पार्टनर्स के साथ, यू कैन गो एंड यू कैन हैव रिलेशनशिप. बिलीव मी, ये इंस्टीट्यूशन थी, ये इंस्टीट्यूशन है और ये इंस्टीट्यूशन रहेगी. आई वॉन्ट टू रीड वन थिंग टू यू, टू ऑल द मैन हु आर प्रेजेंट हियर. No violence, no physical violence, no mental violence. There is some violence that you violate a woman and then you say that the sanctity of the marriage has been broken by her. इस मैरिज की पवित्रता की उतनी ही जिम्मेवारी आप पर है जितनी औरतों पर है. जो कविता मैं आज आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ वो मेरे सारे उन्हीं भाइयों के लिए है जिन्हें आज घर जाके सोचना है कि जब वो किसी औरत के लिए ये बोलते हैं कि इनके कारण से आज मैरिजेस टूट रही हैं, तो वो ये सोचे कि औरतें क्यों सम्माननीय हैं और हमें क्यों एक कदम और आगे बढ़ना चाहिए टू सेव दिस मैरिज. ये एक औरत जब शादी करके जाती है तो अपने पति से ये सवाल करती है, देह मेरी हल्दी तुम्हारे नाम की, सिर मेरा चुनरी तुम्हारे नाम की, मांग मेरी सिंदूर तुम्हारे नाम का, माथा मेरा बिंदिया तुम्हारे नाम की, नाक मेरी नथिया तुम्हारे नाम की, गला मेरा मंगलसूत्र तुम्हारे नाम का, कलाई मेरी चूड़ियां तुम्हारे नाम की, पांव मेरे पायल तुम्हारे नाम की, उंगलियां मेरी और बिछुए तुम्हारे नाम के. बड़ों की चरण वंदना मैं करूं और सदा सुहागन का आशीष वो भी तुम्हारे नाम का. और तो और करवा चौथ और वनमास का व्रत भी मैं करूं और आशीष और व्रत भी वो भी तुम्हारे नाम का. यहाँ तक कि कोख मेरी, खून मेरा, दूध मेरा और बच्चा वो भी तुम्हारे नाम का. घर के बाहर लगी नेम प्लेट वो भी तुम्हारे नाम की, गोत्र भी वो भी तुम्हारे नाम का. नम्रता से पूछती हूँ तुम्हारे पास क्या कुछ है मेरे नाम का. इस मैरिज की क्या सेंटिटी है, इस मैरिज में कौन से एथिक्स है, इस मैरिज में कौन सी प्योरिटी है कि एक आदमी किसी और औरत के साथ रह रहा है, वो दूसरी औरत अपनी पत्नी को रोज मारता है, लेकिन क्यों
because she is not educated, because her parents are saying that we are not going to take you back, therefore she is staying in that marriage. Do we people in India, do we as citizens of India want marriages which are suffocated marriages? Do we want marriages of silence? Do we want marriages that we call that they are pure and they are ethical, where one partner suffers in silence? And mind you, this partner can be a man and this partner can be a woman also. ऐसा कभी नहीं होता कि हर मैरिज में सिर्फ आदमी बुरा होता है और चुप रहती है. बहुत सारी मैरिजेस ऐसी भी होती हैं जहाँ पर मिसयूज ऑफ लॉ होता है और जहाँ पर औरतें आदमियों को बहुत तंग करती हैं, और आदमी प्योरिटी ऑफ मैरिज के लिए, एथिक्स ऑफ मैरिज के लिए या उस मैरिज को बचाने के लिए हमेशा चुप रहता है. द लास्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू से टू दिस हाउस इज दिस कि बहुत सालों से मुझे ऐसा महसूस होता है, करीब 27 साल से, मैं 51 साल की हूँ, तो मेरी अपनी बुद्धि है 51 साल की. 27 साल से मैं इस प्रोफेशन में हूँ तो मेरे पास वो बुद्धि है 27 साल की. लेकिन इतने गणमान्य लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, जो लोग मैम यहाँ बैठी हैं, रिस्पेक्टेड मैम इज सिटिंग, सारी सिटिंग है, जिन्होंने हम जैसे लोगों को पढ़ाया, जिन्होंने हम जैसे लोगों को ज्ञान दिया है, मैं अंत में सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, मैरिज को बचाने के लिए, सैंक्टिटी ऑफ मैरिज को बचाने के लिए, या मैरिज को एथिकल बताने के लिए, या प्योरिटी ऑफ मैरिज को मेंटेन करने के लिए, केवल एक प्रॉब्लम जो मैं इन 27 सालों में, आज 2019 में भी देख रही हूँ, वो सिर्फ एक ही है. वो एक 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 प्रॉब्लम ये है दैट मेन एंड द सोसाइटी एज अ होल wants to shift the entire responsibility of saving the marriage to women. Har aadmi, aap kisi se bhi baat kar le, agar koi aurat ka divorce ho jata hai, to it is the woman who cannot get married. The man gets married. A man who burns his wife, I have seen cases, I have not granted them bail and they have got engagement done while they are in Tihar jail. I am only here to tell you this and to share this with you. And I have seen parents whose daughters have been killed and burned for dowry. They don't come and they don't depose in my court because they say ki wo to chali gayi hai magar mujhe aage kuch nahi karna. To kya hum is tarike ki purity of marriage ko banana chahte hain? Kya hum is tarike ki pure marriages ko bachana chahte hain? Kya hum abhi bhi apna mindset change nahi kar sakte? I do not know how the men who are sitting here will take what I am saying. But I want to say, if we want to save the sanctity of marriage, we need to work on men also. We need to change their mindset also. It is not a woman and man issue alone. It is a family issue. It is an issue where you see women are filing cases against parents of the husbands. The parents of the husbands are going to the jail. So if you want to save this marriage, institution of marriage, if you want to keep it pure, if you want to save it, and if you want to be proud Indians, and what we had in Hindu culture, I think we need to change the mindset of the men. And in the end, I want to tell something to the men. मैं बहुत बार, ये मेरी बड़ी फेवरेट कविता है, ये मेरे द्वारा लिखी गई कविता नहीं है, मगर मैं इसे हर उस जगह में पढ़ती हूँ, where I have to tell the men that please don't give us responsibilities alone. Marriage is not my issue alone. If you will leave me, I will be alone, I will not get married, and the sanctity of marriage is broken because ye aurtein, inki tolerance khatam ho gayi. I hear day after day, aurton ki tolerance khatam ho gayi. Aurton ne bolna shuru kar diya, aurton ne naukri shuru kar di, karne shuru kar diya. Isliye hamari purity of marriage khatam ho gayi hai. As far as sexual relations are concerned, I still want to assure you, in these 27 years and in the year 2019 also, maine aaj tak कोई ऐसा कपल मैंने नहीं देखा है जिसने ये कहा हो कि मैं अपने पति को या मैं अपनी पत्नी को ये फ्रीडम देता हूँ कि यू गो फॉर अनदर रिलेशनशिप. कोई भी पति या कोई भी पत्नी 2019 में भी इस भारतवर्ष में मेरे पास आके नोबडी टेल्स मी मैम आई हैव नो इश्यूज इफ शी स्लीप्स विद समबडी. नोबडी सेज मैम आई हैव नो इश्यू इफ ही स्लीपिंग विद समबडी. एवरीबडी हैज अ इशू. देयर इज नो डिमांड, देयर इज नो डिमांड for independence of sexual relationship. आप 497 की judgment को इसके साथ couple करके confuse मत करिए. वो इनको equal करने के लिए थी. मगर आज तक कहीं भी कोई भी पति
पति या पत्नी मेरी कोर्ट में ऐसे नहीं आए हैं जिन्होंने आके ये कहा हो कि मैं इस बात के लिए अपनी पत्नी को या अपने पति को ये इजाजत देती हूँ कि आप जितने मर्जी लोगों के साथ पार्टनर्स के साथ यू कैन गो एंड यू कैन हैव रिलेशनशिप. बिलीव मी, ये इंस्टीट्यूशन थी, ये इंस्टीट्यूशन है और ये इंस्टीट्यूशन रहेगी. आई वॉन्ट टू रीड वन थिंग टू यू, टू ऑल द मैन हु आर प्रेजेंट हियर. No violence, no physical violence, no mental violence. There is some violence that you violate a woman and then you say that the sanctity of the marriage has been broken by her. Is marriage ki pavitrata ki utni hi zimmewari aap par hai jitni auraton par hai. Jo kavita main aaj aapke samne padhne ja rahi hu wo mere sare unhi bhaiyon ke liye hai jinhe aaj ghar ja ke sochna hai ki jab wo kisi aurat ke liye ye bolte hain ki inke karan se aaj marriages toot rahi hain. तो वो ये सोचे कि औरतें क्यों सम्माननीय हैं और हमें क्यों एक कदम और आगे बढ़ना चाहिए टू सेव दिस मैरिज. ये एक औरत जब शादी करके जाती है तो अपने पति से ये सवाल करती है, देह मेरी हल्दी तुम्हारे नाम की, सिर मेरा चुनरी तुम्हारे नाम की, मांग मेरी सिंदूर तुम्हारे नाम का, माथा मेरा बिंदिया तुम्हारे नाम की, नाक मेरी नथिया तुम्हारे नाम की, गला मेरा मंगलसूत्र तुम्हारे नाम का, कलाई मेरी चूड़ियां तुम्हारे नाम की, पांव मेरे पायल तुम्हारे नाम की, उंगलियां मेरी और बिछुए तुम्हारे नाम के. बड़ों की चरण वंदना मैं करूं और सदा सुहागन का आशीष वो भी तुम्हारे नाम का. और तो और करवा चौथ और वनमास का व्रत भी मैं करूं और आशीष और वर्त भी वो भी तुम्हारे नाम था. यहाँ तक कि कोख मेरी, खून मेरा, दूध मेरा और बच्चा वो भी तुम्हारे नाम का. घर के बाहर लगी नेम प्लेट वो भी तुम्हारे नाम की, गोत्र भी वो भी तुम्हारे नाम का. नम्रता से पूछती हूँ तुम्हारे पास क्या कुछ है मेरे नाम का. बहुत धन्यवाद मैम, इतना अच्छा ज्ञानवर्धन करने के लिए.